तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म हैदराबाद को, जिन्होंने मुझे दावत दी और चांस मिला आप लोगों से मिलने का। उर्दू से मुझे बचपन से मोहब्बत है, चूँकि हम उर्दू माहौल ही पैदा हुए हैं। मेरी परदादी हिंदुस्तान की पहली औरत थी चूँकि उन्होंने उर्दू नावल लिखा, और यह नावल इतना मशहूर हुआ कि पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़ाया जा रहा है, कराची यूनिवर्सिटी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरी अपनी वालदा रैपा सुल्तान आशाद बहुत मशहूर शायरा थी, उनकी 7 किताबें छपी, उन्होंने एक उर्दू मैगजीन भी निकाली जिसका नाम था मेमार। उस उर्दू मैगजीन के लिए हम जर्नलिज्म काम करते थे। मेरी वालदा को भी वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला, एक बार मशीन तरफ से अवार्ड मिला, बुक फेयर में अवार्ड मिला। तो ये तो मेरे उर्दू बैकग्राउंड है, और आपको फ़ख्र होता है उर्दू से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, और हमेशा दुआ करते हैं कि उर्दू आगे बढ़े। और अगर देख रहे हैं कि आजकल लोगों में उर्दू पढ़ाई कम होती जा रही है, क्योंकि लोग इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उर्दू एक बार है बंगाल में, जैसे एक बार मशीन चल रहा है, असहारा न्यूज़पेपर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि और लोग पढ़ें, और पर्चा हो, और भी बहुत सी मैगजीन बंद हो गई। जैसे पहले शमा था, खिलौना था, आस्थाना था, बहुत सी किताबें थी, लेकिन अभी ये सब बंद हो गई हैं। तो ये हमको सोच के अफसोस लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको उर्दू में जोर देना चाहिए, उर्दू पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। हालांकि हम लौटों के पढ़े हुए हैं बचपन से, लेकिन मेरी वालदा ने हम लोग सब बहनों को उर्दू पढ़ाया घर में। हम चाहते हैं हर घर में हर वालदेन अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएं, वो इतनी प्यारी ज़बान है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हर देखिए अभी कोई भी हिंदी पिक्चर उर्दू के बगैर चल सकेगी? कोई भी गाना बगैर हिंदी उर्दू लफ्ज़ के चल सकेगा? जितने भी गाने बन रहे हैं उर्दू इस्तेमाल हो रही है, जितनी भी फिल्मी डायलॉग है आप नोटिस करिए सब उर्दू डायलॉग्स हैं। इसलिए उर्दू बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। ये अफसोस कि ये सब लोग नहीं समझ रहे हैं। तो आखिरी में मेरी यही दुआ है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कि आप लोग बहुत कामयाब हो, और मेरी और कलकत्ता में भी आप लोग प्रोग्राम करें। कलकत्ता में बहुत मोहब्बत करने वाले हैं उर्दू से, यहाँ कलकत्ता में आपको बहुत शायर मिलेंगे, बहुत राइटर्स मिलेंगे उर्दू के। कलकत्ता में आप करिए एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग सब शामिल हों। थैंक यू, खुदा हाफिज़।